हाई एवरी वन, वेलकम टू स्टडी आइस। और आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है दैट इज़ US जो है वो रीजॉइन कर रहा है आपके यूनेस्को को। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को जो है वो अनाउंस कर रहा है दैट यूनाइटेड स्टेट्स विल रीजॉइन इट इन जुलाई। ठीक है, तो US जो है वो आपके यूनेस्को को रीजॉइन करेगा। कब? जुलाई के अंदर। अब यहाँ पर क्या कारण रहे हैं यूनेस्को को रीजॉइन करने के, छोड़ा क्यों था, ये सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे कवर इस पर्टिकुलर वीडियो में। उससे पहले देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक नया ऑफर लेकर आया है विच इज़ UPSC महा ऑफर। 50% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है सब्सक्रिप्शन लेने पर। तो आप लोग आरम यानी कि एक साल का आप लोग यहाँ पर इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, आपको मिशन 2026 यानी कि 3 साल का जो IAS बैच है उसका भी ऑफर मिल रहा है। तो अगर आप इन सब का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पर आपको 50% का जो डिस्काउंट है वो मिल रहा है। ओके, एंड स्टार्टिंग हो रही है आपके इसकी 15th of June से और जो ऑफ़र है वो 17 June को यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इसमें एनरोल कर लीजिए, लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है। जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव विच विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके, चलिए अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ गए हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स का प्री क्वालिफाई हुआ है वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन एनरोल इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम विच इज़ मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। जब भी एनरोल करोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। ओके, देन यहाँ पर आरम बैच है जैसे मैंने आपको बताया, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। देन लक्ष्य बैच, ऑप्शनल की भी क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी गई हैं, आप लोग ऑप्शनल की क्लासेस भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को क्या है? एक UN एजेंसी है विच टास्क विद फर्दरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीस थ्रू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल कॉजेस। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट्स जो है दैट वॉज अ फाउंडिंग मेम्बर ऑफ यूनेस्को। ठीक है, वो भी 1945 में। इट डेजिग्नेट्स लोकेशन ग्लोबली एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच मीन्स इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड पॉसिबल फंडिंग। यूनेस्को की जो प्रोग्राम्स हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि डिफाइंड है आपके 2030 के एजेंडा में और इसको अडॉप्ट किया गया था बाई द UN जनरल असेंबली इन 2015। अब इसमें हमें 195 यानी कि 195 मेंबर स्टेट्स देखने को मिलते हैं, 10 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लैरिटी हो गई कि यूनाइटेड स्टेट्स जो था दैट वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनेस्को इन 1945। अब यहाँ पर विड्रॉ करने के क्या रीजंस रहे थे उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहली चीज़ कि US ने एग्जिट क्यों किया यूनेस्को को। तो 2011 में यूनेस्को ने इंडक्ट किया पैलेस्टीन एज अ मेंबर। ठीक है, तो बेसिकली पैलेस्टीन को एज अ मेंबर यहाँ पर यूनेस्को ने 2011 में इंड्यूस किया। तो उसी टाइम पर इसकी वजह से US ने दे हॉल्ट द एजेंसीज फंडिंग, ठीक है, वर्थ ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर अंडर देन जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे उस टाइम पर, वो प्रेसिडेंट थे 2011 में। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि उन्होंने यहाँ पर हॉल्ट कर दिया था एजेंसी की फंडिंग को। ठीक है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर जो फंडिंग आती थी वो रुक गई थी। पैलेस्टीन जो है इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज अ सोवरन स्टेट बाय यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो पैलेस्टीन को, ठीक है, जो आपका पैलेस्टीन है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती एज अ सोवरन स्टेट। सो इट वाज इंक्लूडेड एज अ नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट ओवर इजराइल ऑब्जेक्शंस इन 2012, मीनिंग इट कुड पार्टिसिपेट इन जनरल असेंबली प्रोसीडिंग्स बट लैक वोटिंग राइट्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि इसको इंक्लूड कर लिया गया था एज अ नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने काफ़ी ऑब्जेक्शंस इस पर लगाए थे 2012 में इससे रिलेटेड। तो इसके बाद क्या हुआ कि अगर हम बात करें कि नॉन मेंबर ऑब्जर्वर क्या हो गया यहाँ पर, जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है जनरल असेंबली प्रोसीडिंग्स में बट वोटिंग राइट्स जो हैं वो उनके पास यहाँ पर नहीं। देखिए, पैलेस्टीनियंस जो हैं वो क्लेम करते हैं वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाज़ा स्ट्रिप एज देयर पर्टिकुलर लैंड। ठीक है, और इनके द्वारा ये बोला जाता है कि ये जो पर्टिकुलर टेरिटरीज़ हैं ये इसराइल द्वारा कैप्चर कर ली गई थी 1967 के वॉर में फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब इसराइल यहाँ पर बोलता है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं, ठीक है, दे एफर्ट टू विन रिकॉग्नाइजेशन एट द UN एंड दे आर एम्ड एट
circumventing unnegotiated settlement and meant to pressure Israel into concessions. तो US के जो laws थे owing to the country's historical tie with Israel, वो prohibit कर रहे थे fund करना UN agency को, ठीक है, जो कि imply करता है, जो कि recognize करता है Palestinians को and they demand for their own state. ठीक है, तो इसी से related यहाँ पर क्या हुआ था कि US ने उस time पर UNESCO को exit कर दिया था. ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि अब जाके USA इसको रीजॉइन क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर US की एब्सेंस जो थी यूनेस्को से, दे हैड स्ट्रेंथन चाइनाज पोजिशन, और ये जो डिसीजन था टू रिटर्न वॉज ऑल्सो ड्यू टू चाइना फिलिंग द गैप लेफ्ट बाई द US. अब देखिए US के जाने के बाद चाइना ने उस पोजिशन को, अपनी पोजिशन को बहुत स्ट्रेंथन कर लिया. अब ये चीज़ US को यहाँ पर खटक रही है. ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि US जो है वो एक कमबैक ले रहा है, जिससे कि यहाँ पर चाइना जो गैप फिल कर रहा है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए. ओके, सो इसी वजह से आपका जो US है इट इज़ रीजॉइनिंग इट अगेन. ओके, चलिए आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना. मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे. बाय ऑल ऑफ यू.